तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी रिसेंटली साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे भी किया है, उन्होंने इन विवो टेस्ट किया। तो वो कैसे कर रहे थे कि सपोज एक बंदा है, उसको एसिडिटी हुई है, तो उस केस में वो क्या कर रहे हैं, तो मतलब एंटासिड देने से पहले उन्होंने उनके स्टमक में से उसका गैस्ट्रिक कंटेंट निकाला। अभी कैसे निकाला, क्या निकाला, आई डोंट नो, बट उन्होंने निकाला, तो पाइप डाल के निकाला होगा या फिर कैसे तो निकाला होगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके स्टमक का जो गैस्ट्रिक कंटेंट था ना, वो उन्होंने निकाल दिया। तो वो एंटासिड देने से पहले कितनी उसकी एसिडिटी कितनी थी, उन्होंने वो मेजर की। फिर एंटासिड देने के बाद, टाइम इंटरवल के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, उन्होंने फिर से उसका गैस्ट्रिक कंटेंट निकालना चालू कर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, उसका अपना जो एंटासिड, वो एंटासिड कैसे काम करता है या फिर कितना एसिडिटी को कम करता है, वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको मेजर करना चालू कर दिया। सो ये होता है और ये अभी पॉसिबल है, अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया है। दिस इज नॉट सक्सेसफुल एंड एट द सेम टाइम नॉट ऑफिशियल। तो अभी ये मतलब चालू तो कर दिया लेकिन सक्सेसफुल अभी तक तो हुआ नहीं है, और ये ऑफिशियल भी नहीं है क्योंकि किसी के मुंह के अंदर पाइप डाल के उसके अंदर का निकाल के फिर हम लोग एसिडिटी नहीं चेक कर सकते, है ना। सो दिस इज नॉट ऑफिशियल, तो उसमें वो बंदा मर भी सकता है। ओके सो ये है अगला। बिसाइड हैविंग एसिड न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटी, एंटासिड मे कॉज इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीएज एंजाइम और डीनेचुरेशन ऑफ दिस बाय मेटल कैटायंस और बाय एड्सॉर्प्शन ऑफ एंजाइम बाय एंटासिड इटसेल्फ। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमार्क सच द टेस्ट हैव नाइदर बीन प्रोवाइडेड कंट्रीज और नॉट बेनिफिशियल। तो एक चीज याद रखना कि ऐसे क्या होता है, ये जो डाइवेलेंट कैटायंस होते हैं ना, ये चिलेट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, चिलेट फॉर्म करते हैं। तो चिलेट फॉर्म करने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर या फिर हमारे स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो एंजाइम्स का इनएक्टिवेशन होता है ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये डाइवेलेंट कैटायंस क्या करते हैं, तुम्हारे एंजाइम के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। और क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स का इनएक्टिवेशन होता है। तो इसका ये एक छोटा सा साइड इफेक्ट है लेकिन अभी तक इसको ऑफिशियल माना नहीं गया है, राइट। इसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ा है हमारे बॉडी के ऊपर, ऐसे देखा नहीं गया है। सो मेजरली तो एंटासिड्स को साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, राइट, या फिर होते तो फिर वो ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। तो ड्रग इंटरेक्शन देखिए क्या दिया, so the antacid or the action of antacid is based upon the altering the gastric or urinary ph, hai na। to antacid kaam kaise karte, to antacid kya karte, tumhare jo gastric ka ya fir tumhare stomach ka aur tumhare urine ka jo ph hai wo change karte hai, hai na, urine ka ph karte kya change karte। so however the antacid are also able to alter the rate of dissolution, absorption, bioavailability, renal elimination of number of drug। तो देखो, अगर कोई भी इंसान है, उसके इंसान का, उसके स्टमक का अगर पीएच चेंज हो रहा है या फिर उसके यूरिन का अगर पीएच चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में मतलब एंटासिड के साथ अगर हम लोग कोई दूसरा ड्रग ले रहे हैं, एंटासिड के साथ अगर कोई दूसरा ड्रग ले रहे हैं, तो वो दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। सपोज जैसे कि मैं पैरासिटामोल ले रहा और पैरासिटामोल के साथ में एंटासिड ले रहा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने क्या बोला, पैरासिटामोल को एब्जॉर्ब होने के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन एंटासिड लेने के बाद मेरा जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है ना। एसिडिक एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो उस न्यूट्रलाइज एनवायरनमेंट में अपना पैरासिटामोल एब्जॉर्ब होगा क्या, बोलो, नहीं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्रग इंटरेक्शन। तो दो ड्रग के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और इसी की वजह से, मतलब इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से दोनों में से एक के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या फिर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ऐसे भी ड्रग है जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देते हैं, और ऐसे भी ड्रग है जो एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो ये है, तो एंटासिड यूजुअली क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन को अल्टर करते हैं, मे बी वो पॉजिटिव वे से भी करेंगे या फिर नेगेटिव वे से भी करेंगे, है ना। सो आइदर उसका डिसोल्यूशन बढ़ाएंगे, डिसोल्यूशन मतलब क्या, डिसॉल्व होना, है ना, घुल जाना, मिक्स हो जाना, तो उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे, बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। अभी बायो अवेलेबिलिटी का मीनिंग क्या है, पता है किसी को बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, यस बोलो, व्हाट इज मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी, सिंपल टर्म है, देखो पैरासिटामोल 500 mg, ये तुम्हारा क्रोसिन का टैबलेट है, ठीक है, क्रोसिन टैबलेट है, क्रोसिन के अंदर क्या है, पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम का ड्रग है। क्रोसिन की टैबलेट हम लोग कैसे लेते हैं, ओरली लेते हैं, राइट। तो ओरली जब हम लोग लेते हैं तब वो
टैबलेट हमारे स्टमक में जाएगी, वहां पे डिजोल्व होगी, और वो 500 मिलीग्राम को हम लोग कितना कंसिडर करेंगे, 100% ड्रग कंसिडर करेंगे। कितना कंसिडर करेंगे, 500 मिलीग्राम को हम लोग कितना कंसिडर कर रहे हैं, 100% कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर पूरा का पूरा 500 मिलीग्राम एब्जॉर्ब नहीं होता, पूरा का पूरा 500 मिलीग्राम एब्जॉर्ब नहीं होता। सपोज हमारे बॉडी ने 350 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर लिया, 500 में से 350 मिलीग्राम एब्जॉर्ब कर लिया, तो कैलकुलेट करो अभी कितना परसेंट हुआ। तो 500 को 100% है तो 350 को कितना हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, so 350 multiplied by 100 divided by कितना, 70% सर, 70%। तो अगर 350 मिलीग्राम ऑफ ड्रग अगर अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो टैबलेट की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 70% ड्रग इज बायो अवेलेबल। मतलब जो ड्रग हम लोग ओरली ले रहे या फिर जो ड्रग हम लोग टॉपिकली ले रहे, मतलब स्किन के ऊपर से ले रहे, तो वो एब्जॉर्ब होके कितने अमाउंट में अपने ब्लड में जाने वाला है और कितने अमाउंट में अपने ब्लड में प्रेजेंट है। तो जो ब्लड की अमाउंट है ना, ब्लड के अंदर जो ड्रग की अमाउंट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी ऑफ यूर ड्रग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ यूर ड्रग। आया समझ में, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, लिख लो सब लोग बायो अवेलेबिलिटी की कंसेप्ट अपने अपने लैंग्वेज में लिख लो, बाद में ये चीज तुम लोगों को कोई पढ़ाने नहीं वाला है कि ओरली अगर कोई ड्रग लेता हो या फिर अगर टॉपिकली कोई ड्रग लेता हो, है ना, या फिर नाक से कोई ड्रग लेता हो, नेजल ड्रॉप होते हैं या फिर आई ड्रॉप होते हैं या फिर ईयर ड्रॉप होते, तो अगर ये जो बहुत सारे अलग अलग जो है तो उसमें बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या, पूरा का पूरा ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होता, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग जो एब्जॉर्ब होता है और जो ब्लड में चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, है ना, दैट इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी। लिखा हो गया, हो गया बाकी सब लोगों का, रिपीट करा, द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड, अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट पैरेंटल रूट। तो मुझे बताना पैरेंटल रूट की, मैंने एक्सेप्ट पैरेंटल रूट क्यों बोला, पैरेंटल रूट का बायो अवेलेबिलिटी कितना होगा सर, वो सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है तो ज्यादा रहेगा उसका, ज्यादा रहेगा। देखो पैरेंटल जो होता है ना बच्चों, वो पैरेंटल हम लोग डायरेक्टली ब्लड में ही देते हैं, है ना, इंट्रावेनस, इंट्राथिकल, इंट्रामस्कुलर, तो ये डायरेक्टली मसल्स में। देखो ब्लड से फिर वो कहां पे चला जाता है, स्टमक में आया, स्टमक में से ब्लड में आया, ब्लड में से वो कहां पे जा रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जा रहा है। तो इंट्रामस्कुलर, इंट्राथिकल, इंट्राकार्डियल, इंट्रा ब्लड वेसल, है ना, तो ये क्या है, डायरेक्टली हम लोग रिस्पेक्टिव ऑर्गन के अंदर डायरेक्ट ड्रग दे रहे हैं, वो पर्टिकुलर सेल्स के अंदर डायरेक्ट ड्रग दे रहा है, तो उस केस में उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, बोलो, 100%, यस,
यस एब्सोल्युटली करेक्ट. तो तुम्हारे जो पैरेंटल ड्रग्स होते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई तुम्हारी, 100% हो गई. आ गया ये कंसेप्ट क्लियर में, है ना? यस, वेरी सिंपल कंसेप्ट. बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं लेकिन ये निकल जाते हैं, नहीं बताते बच्चों को, ठीक है? सो जैसे अभी एब्जॉर्प्शन के ऊपर अफेक्ट हुआ वैसे बायो अवेलेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट होगा, वैसे ही रिनल एलिमिनेशन के ऊपर भी अफेक्ट होगा. ये लिख के लो कि पैरेंटल ड्रग्स हैव 100% बायो अवेलेबिलिटी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? ओके, चलो. तो दिस इज द ड्रग इंटरेक्शन. की ड्रग इंटरेक्शन में आइदर वो पॉजिटिव वे से काम करेगा या फिर नेगेटिव वे से काम करेगा. ओके, सो दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट्स आउट्स दैट वन शुड अवॉइड द कॉन्करेंट यूज ऑफ एंटासिड एंड अल्ट्रा ड्रग विच आर इंटेंडेड फॉर द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन. तो उस केस में ऐसे एक दूसरे को काउंटर करने वाले ड्रग को लेना नहीं चाहिए, राइट? सो एंटासिड्स आर आल्सो एबल टू डिक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन एंड सम विटामिन्स. तो देखो इन्होंने बोला है कि जो हमारा आयरन होता है और जो बाकी के थोड़े बहुत जो विटामिन्स होते हैं, तो वो विटामिन्स की क्या करता है, एंटासिड क्या कर सकता है, बायो अवेलेबिलिटी कम कर सकता है. तो कैसे करेगा, तो ये आयरन का और विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा. कैसे करेगा, ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा. तो उस कंडीशन में उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? सो नेक्स्ट वाला, द एंटासिड एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग द न्यूट्रलाइजेशन मैकेनिज्म देयर बाय लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस गैस इज एबल टू कॉज डिसकंफर्ट एंड डिस्टॉर्शन ऑफ अ स्टमक. इन ऑर्डर टू काउंटर दिस एंटी फ्लैटुलेंट कंपाउंड्स आर टू बी यूज्ड विद द एंटासिड प्रिपरेशंस, है ना? तो अभी क्या हो रहा है, देखो कि जब हम लोग एंटासिड लेते हैं, तो एंटासिड जब लेते हैं तो जब ये क्या करेगा, एसिड एंड बेस का रिएक्शन करेगा. क्या करेगा, एसिड एंड बेस का रिएक्शन करेगा. और जब एसिड एंड बेस का रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का गैस हमारे बॉडी के अंदर बनेगा. क्या बनेगा, स्टमक में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा. तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकला स्टमक से, तो उसकी वजह से एक अलग लेवल का डिस्कम्फर्ट बनेगा, है ना? उसकी वजह से और एक अलग लेवल का प्रॉब्लम बनेगा. तो वो गैस की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग और एक कंपाउंड लेते हैं, उसका नाम है एंटी फ्लैटुलेंट. एंटी फ्लैटुलेंट मतलब क्या, फ्लैटुलेंट मतलब गैस फॉर्मेशन, है ना? गैस फॉर्मेशन इन यूअर स्टमक, फ्लैटुलेंट और फ्लैटुलेशन. फ्लैटुलेशन मतलब क्या, गैस फॉर्मेशन इन यूअर बॉडी, है ना, इन यूअर बॉडी. तो वो गैस फॉर्मेशन को या फिर वो जो फॉर्म हुआ गैस है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग लेते हैं, दैट इज यूअर एंटी फ्लैटुलेंट, है ना, एंटी फ्लैटुलेंट. ओके, सो ये हुआ तुम्हारा कंसेप्ट की अगर तुम लोग एंटासिड ले रहे हो तो एंटासिड के साथ तुम लोगों को एंटी फ्लैट ले आयला कुटे फिर काय कुटे काय दिले लिहायला. कोणाचा माइक चालू है? ओके, प्लीज यार माइक बंद कर दो, है ना? लिंक लग जाती हो फिर बाद में अगर ऐसे माइक ऑन हो गया ना किसका, दो तो फिर डिस्टर्बेंस होता है, फिर मेरे को याद नहीं आता कि मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, है ना? ओके, सो द काउंटर, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लेना है, फ्लैटुलेंट लेना है वो कार्बन डाइऑक्साइड को काउंटर करने के लिए. सो ये एंटी फ्लैटुलेंट कंपाउंड कौन से है, स्पेशली वेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज. तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब हम लोग लेते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हम लोगों को क्या लेना है, एंटी फ्लैटुलेंट्स भी लेने हैं. तो उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो वो बाहर निकलना चाहिए, राइट? तो वो एक्चुअली निकलता भी है, हम लोगों को डकार आती है ना कोई भी एंटासिड लेने के बाद, इनो लेने के बाद, या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने के बाद वो डकार आती है, दैट इज नथिंग बट यूर कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. तो अगर वो नहीं निकलता तो उस कंडीशन में तुम लोगों को एंटी फ्लैटुलेंट लेना है. तो लेकिन यहाँ पे यूजुअली अपने यहाँ पे तो कोई एंटी फ्लैटुलेंट नहीं देता, ठीक है? एंटी फ्लैटुलेंट कोई भी देता नहीं है क्योंकि गैस इजिली फॉर्म हो जाता है और इजिली बाहर निकलता है. क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, एंटासिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, वो ज्यादा अमाउंट में तुम्हारा गैस नहीं बनाता. तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एंटी फ्लैटुलेंट्स देते नहीं, हमारे इंडिया में हम लोग एंटी फ्लैटुलेंट्स देते नहीं, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट, सम प्रिपरेशंस आर हैविंग सेमीथिकॉन, है ना, सेमीथिकॉन विच इज अ सरफेस एक्टिव एजेंट टू डिस्पर्स फोम, है ना? फोम मतलब क्या, झाग, है ना, फेस, फेस ये तो ना फेस, तो झाग बनता है, झाग फोम बनता है. क्यों? जब एंटासिड काम करता है तो एसिड के ऊपर जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का गैस इवॉल्व होगा ना, तो गैस इवॉल्व होने की वजह से ऊपर झाग बनेगा, फेस बनेगा. तो उसको कम करने के लिए, वो झाग को कम करने के लिए सरफेस एक्टिव एजेंट लगता है. क्या लगता है? सरफेस एक्टिव एजेंट लगता है. तो ये सरफेस एक्टिव एजेंट कौन है? सेमीथिकॉन, है ना?
सो दिस इफेक्ट इज एबल टू रिड्यूस दी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्सेस. तो वो झाग की वजह से गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स हो सकता है, मतलब क्या वोमिटिंग हो सकती है, ऊपर उल्टा आ सकता है. तो उसको कम करने के लिए हम लोग यूजुअली ये सर्फेक्टेंट लेते हैं. लेकिन अभी ये कोई भी यूज नहीं होता, क्योंकि तुम लोग अभी कोई भी एंटासिड देखो तो इसमें सेमीथिकॉन भी नहीं होता, तुम्हारा एंटीफ्लैटुलेंट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है. तो ये पहले वाले प्रिपरेशन में होते थे, लेकिन अभी ये नहीं किया जाता है. ठीक है. सो इन सम केसेस अल्जीनिक एसिड इज यूज बिकॉज इट इज एबल टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इरिटेशन इफेक्ट ऑफ HCl. तो HCl की वजह से जो इरिटेशन इफेक्ट होता है, तो वो इरिटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए तुम लोग क्या लेते हो, आजा तुम लोग क्या लेते हो, एल्जीनिक एसिड लेते हो. क्या लेते हो तुम लोग? एल्जीनिक एसिड लेते हो, राइट. सो ये है तुम्हारा कंसेप्ट बिहाइंड यूजिंग यूर एल्जीनिक एसिड, है ना. ओके. सो जस्ट अ मिनट गाइस, एक मिनट मुझे देना.
ओके हाँ, तो कहाँ पे था मैं? यस, तो इसके ऊपर था। सो आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है तुम्हारे एंटासिड के? सो पहला है तुम्हारा, इट शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैज अ फाइन पार्टिकल फॉर्म। तो पहली चीज क्या है एंटासिड के लिए, तो वो इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, वाटर में वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, और उसके जो सॉल्युबिलिटी के जो प्रेसिपिटेट बनेंगे या फिर जो पार्टिकल्स है वो फाइन होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल एंड कॉज सिस्टमिक अल्कोलोसिस। देखो यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया है ना दीक्षा, देखो कि ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, एंड इट शुड नॉट कॉज सिस्टमिक अल्कोलोसिस। अगर ये एब्जॉर्ब होते तो फिर ये क्या करेंगे, सिस्टमिक अल्कोलोसिस कॉज कर सकते हैं, हेंस इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए, राइट? थर्ड वाला प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी एबल टू एग्जर्ट इट्स इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या, धीरे धीरे काम करना है लेकिन बहुत टाइम तक काम करना है, तो ये इफेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ लैक्सेटिव और अ कॉन्स्टिपेटिव, है ना? मतलब ये लैक्सेटिव भी होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, और कॉन्स्टिपेटिव भी नहीं होना चाहिए, है ना? ये एक चीज है। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू, सॉरी, इट शुड बी स्टेबल एंड रेडिली अवेलेबल, तो ये स्टेबल होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए। सो द रिएक्शन बिटवीन एंटासिड एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड नॉट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, है ना? अभी थोड़ी देर तो पहले मैंने बोला कि अभी जो एंटासिड हम लोग यूज करते तो वो ज्यादातर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैस नहीं बनाते, जो गैस बनता है वो डायरेक्टली तुम्हारे डकार के फॉर्म में निकल जाता है ना, जब तुम लोग डकार देते हो कोई भी थम्सअप मिरांडा वगैरह पीने के बाद, तो वो उस फॉर्म में निकल जाता है ना, तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं बनाना, ये उसका एक मेन क्या है एडवांटेज है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ज्यादा गैस ना बनाए करके, ठीक है? नेक्स्ट एट वाला पॉइंट क्या है, द एंटासिड शुड बफर इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 6, है ना? एंटासिड शुड बफर इन द पीएच रेंज, तो वो इट शुड बी एक्ट एज अ बफर इन द रेंज ऑफ 4 to 6, है ना? तो वो 4 to 6 के रेंज में बफर के जैसे काम करे और खुद का भी काम करे, ये उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देन एंटासिड शुड प्रोबेबली इनहिबिट, एंटासिड शुड प्रोबेबली इनहिबिट पेप्सिन द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, है ना? तो ये एक एंजाइम है, उसको भी वो अपने एंटासिड ने क्या करना चाहिए, इनहिबिट करना चाहिए, राइट? सो दिस ऑल आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर आइडियल एंटासिड, है ना? जो आइडियल एंटासिड होता है वो इस हिसाब से होता है। अगर ये सब प्रॉपर्टी मैच कर रहे तुम्हारे एंटासिड के साथ, तो तुम्हारा एंटासिड क्या है, परफेक्ट है, राइट? ओके, सो ऑल्दो नो कंपाउंड और नो प्रिपरेशन इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल फॉर अ अबव क्राइटेरिया, येट सम कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर वाइडली यूज। तो हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी आइडियल ये एंटासिड नहीं बना है, फिर भी हम लोग एल्यूमिनियम कैल्शियम मैग्नीशियम के जो कंपाउंड से वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या फिर वो एल्यूमिनियम कैल्शियम और मैग्नीशियम के एंटासिड हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंटासिड प्रिपरेशंस आर एडमिनिस्टर एज ओरल सस्पेंशन, है ना? तो हम लोग एंटासिड प्रिपरेशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो तुम्हारे ओरल सस्पेंशन के हिसाब से ले सकते हैं, देन मिक्सचर के हिसाब से ले सकते हैं, टैबलेट के हिसाब से ले सकते हैं, च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट मतलब क्या, जो हम लोग च्यू कर सकते हैं, जो हम लोग चबा के खा सकते हैं, देन उसके बाद में कैप्सूल्स और ओरल प्रोडक्ट। तो इन फॉर्मेट्स में या फिर इन डोसेज फॉर्म में हम लोग एंटासिड को ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट यूर एंटासिड्स, है ना? दिस इज ऑल अबाउट यूर एंटासिड इंट्रोडक्शन। तो एंटासिड इंट्रोडक्शन क्लियर है सब लोगों को? किसी को कुछ डाउट इसमें? चलो बोलो जल्दी, इज देयर एनी डाउट? यस, बोलो यस और नो समथिंग कुछ तो। सो रहे लगता है सब लोग, कोई भी बोल नहीं रहे, यस भी नहीं बोल रहा है, नो भी नहीं, क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्लियर मोस्ट वाइडली यूज क्लास ऑफ एंटासिड। तो हम लोग एल्यूमिनियम को एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एंटासिड कंसिडर करते हैं। सो एल्यूमिनियम के कंपाउंड हम लोग डेरिवेटिव हम लोग बनाते। सो अमंग द एल्यूमिनियम कंपाउंड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज स्पेशली यूज।
तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कौन है तुम्हारा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लस तुम्हारा एंटासिड है. कौन है तुम्हारा? एंटासिड है. तो ये वाइडली यूज है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसको यूज किया जाता है. सो इट्स थ्री फॉर्म आर ऑफिशियल इन वेरियस फार्माकोपिया. तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के तीन फॉर्म है, वो तीन फॉर्म ऑफिशियल फार्माकोपियाज में भी प्रेजेंट है. तो कौन से तीन फॉर्म है देखो. पहला वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, दूसरा वाला ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड टैबलेट, है ना. तो अगर पहला वाला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, वो किसमें प्रिस्क्राइब किया है तुम्हारे? इंडियन फार्माकोपिया में. दूसरा वाला किसमें प्रिस्क्राइब किया है? आईपीएन बीपी दोनों में. तीसरा वाला भी आईपीएन बीपी दोनों में किया है. सो बिसाइड्स द अबव कंपाउंड, द अदर एल्यूमिनियम कंपाउंड यूज एज एंटासिड आर एज फॉलोस. तो ऊपर के छोड़ के और भी अपने पास कंपाउंड है, कौन से? एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ड्राइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट यहाँ पे है, ड्राइड एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल यहाँ पे है. तो वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में दिया है. किसमें दिया है? ब्रिटिश फार्माकोपिया में दिया हुआ है. तीसरा दूसरा कौन सा है? एल्यूमिनियम ग्लाइसिनेट. कौन सा है? एल्यूमिनियम ग्लाइसिनेट. ये भी हम लोग एंटासिड के हिसाब से, मतलब एंटासिड करके यूज करते हैं. लास्ट वाला है बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट. कौन है? लास्ट वाला बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट. तो इन तीनों के अलावा जो ऊपर वाले जो तीन है, मेन ऊपर वाले जो तीन है, वही हम लोग तीन यूज करते हैं. जो निचले वाले जो तीन है वो हम लोग रेयरली यूज करते हैं. जो निचले वाले जो तीन है, ये वाले जो तीन है, ये हम लोग रेयरली यूज करते हैं. दे आर रेयरली यूज, है ना. जो ऊपर वाले तीन है वो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. कैसे हम लोग करते हैं? फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. ओके, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. ऑलराइट, ओके. सो नेक्स्ट देखो क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल. तो अभी ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या बोल रहा है? इट इज एन एक्वियस व्हाइट विस्कस सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. व्हाइट एक्वियस, है ना. एक्वियस मतलब क्या? इसको पानी में बनाया गया है, ये व्हाइट है. विस्कस मतलब क्या? थोड़ा सा थिक है. विस्कस म्हणजे थोड़ा सा थिक. मध कसा असतो? मध कसा असतो? एकदम थिक असतो, एकदम गाढ़ असतो, है ना. एकदम साखरेचा पाक कसा एकदम गाढ़ा बनवतो आपण, एकदम गाढ़ा बनता है, वैसे थिक बनता है, है ना. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा थिक होता है कंसिस्टेंसी में. एंड इट इज एन हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड हैविंग वेरिंग अमाउंट ऑफ बेसिक एल्युमिनियम कार्बोनेट. तो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हम लोग कैसे बनाते? सो इट इज एन एक्वियस व्हाइट विस्कस सस्पेंशन. सस्पेंशन मतलब क्या? सस्पेंशन में क्या होता है तुम्हारा? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं. सस्पेंशन में क्या होते हैं तुम्हारे? इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या किए जाते हैं? डिस्पर्स किए जाते हैं. डिस्पर्स करना मतलब क्या? फैलाना. पानी के अंदर उसको शेक करके डिस्पर्स किए जाते हैं. वो इनसॉल्युबल प्रिपरेशन को हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन. सो इट इज अ सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग लिटिल बिट अमाउंट ऑफ बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट, है ना. बेसिक एल्यूमिनियम कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट होता है. सो प्रिपरेशन देखो. सो प्रिपरेशन कंटेन नॉट लेस देन 3.5% and not more than 4.4% of weight of aluminium oxide. That is your AlOL3. So the preparation may be sometime having methyl oil. तो ये preparation में methyl oil use किया जाता है, peppermint oil भी use किया जाता है, glycerin use किया जाता है, sucrose, saccharin use किया जाता है as a flavoring and sweetening agent, है ना. Okay. And volume and up to 0.05% sodium benzoate भी add किया जाता है. तो sodium benzoate का क्या काम है यहाँ पे? 0.05 का as a preservative. कैसे? As a preservative ये काम करता है. कौन? Sodium benzoate. ठीक है. और बाकी methyl oil या फिर peppermint oil, glycerin, sucrose, saccharin ये flavoring and sweetening agent है. ये क्या है तुम्हारे? Flavoring and sweetening agent है. और तुम्हारा aluminium oxide कितने quantity में present होना चाहिए? 3.5 कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे 4.4% में present होना चाहिए. So अभी देखो reaction कैसे होती है. देखो यहाँ पे preparation दिया है. So preparation, it is prepared by adding a hot solution of potash alum. मतलब क्या? तुरटी. Potassium alum मतलब क्या? तुरटी, है ना. So it is prepared by adding of hot potash alum slowly with a constant stirring to a hot solution of sodium carbonate. After complete removal of sodium carbon dioxide, the precipitated alum hydroxide is filtered, and it is washed thoroughly with hot water until it becomes free from sulfate ions, and the precipitate is suspended in distilled water to the required strength. So kya karna hai dekho? सोडियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, या फिर पोटैश एलम.
पोटैश एलम का फॉर्मूला दिया है यहाँ पे देखो. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटैश एलम. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटैश एलम. KALSO4 twice. This is the formula for your potash alum. So कहाँ किसके और किसके बीच में reaction हो रही है? So reaction is occur in between sodium carbonate and potash alum. Okay? In presence of water. तो क्या होगा तुम्हारा? इसको थोड़ा सा hot करना है. मतलब इसको थोड़ा सा boil करना है. तो जब हम लोग boil करेंगे, तो Na2SO4 बनेगा. K2SO4 बनेगा, मतलब सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट और उसके साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा एंड CA कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन होगा. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. सो दिस इज द रिएक्शन. तो जब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल फॉर्म में होगा, लेकिन तुम्हारा सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट सोल्यूबल फॉर्म में होगा. कौन से फॉर्म में होगा? तुम्हारा सोल्यूबल फॉर्म में होगा, है ना. तो जब हम लोग फिल्टर करेंगे तो फिल्टर करने के बाद ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा तुम्हारा फिल्ट्रेट, मतलब जो इनसॉल्युबल फॉर्मेट है प्रेसिपिटेशन, तो वो फिल्टर पेपर के ऊपर आएगा और नीचे फिल्टर पेपर को क्रॉस करके कौन चला जाएगा? सॉल्युबल फॉर्मेट वाला सोडियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट, है ना. देखो इसकी रिएक्शन भी हम लोग देखते हैं. रुको एक सेकेंड. एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बनाएंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एम हमारा क्या है, टू प्रिपेयर एंड सबमिट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है. तो हमें पहले रेफरेंस लिखना होगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट में हमें बीकर ग्लास रॉड मेजिंग सिलेंडर की जरूरत होगी, तो केमिकल हमको चाहिए बनाने के लिए, तो हमें ASCO3 की जरूरत होगी, सोडियम कार्बोनेट की जरूरत होगी, NH4OH की जरूरत होगी, ठीक है. प्रोसीजर क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है हमारा वे 6.4 ग्राम KLC3 एंड 18 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड इट मिक्स इट. हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 6 ग्राम KLC3 लेंगे बीकर में, उसके बाद 18 ग्राम Na2CO3 लेंगे बीकर में, उसको मिक्स करेंगे. सेकेंड स्टेप में हमको 3 देखो, पहले उन्होंने पोटैश एलम ऐड किया, है ना, देन उसके बाद में उन्होंने उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट ऐड किया. वो ध्यान से सुनना, वो बोल क्या रहे ना, वो ध्यान से सुनना. देखो मैं रिपीट कर रहा फिर से. सबसे पहले हम लोग 6 ग्राम KLC3 लेंगे बीकर में, पोटैश एलम, उसके बाद 18 ग्राम Na2CO3 लेंगे बीकर में, उसको मिक्स करेंगे. सेकेंड स्टेप में हमको 3 से 4 ml डिस्टिल वाटर को ऐड करना है. हम ग्रेजुअली NH4OH को ऐड करेंगे. देखिए ये फ्यूम्स निकल रही है और हमारा जेल उसको आइस बाथ पे रखेंगे, कूल करेंगे आइस बाथ पे, ठीक है. देखिए हमने इसको कूल किया और ये वाइट पेसी बन के तैयार है हमारा. देखिए AlCl3 एलमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल बन के तैयार है. देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए हमारा एलमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल बन के तैयार है. तो इस तरीके से हम एलमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल को लैब में बनाएंगे, ठीक है. थैंक यू. ये एक प्रोसीजर हुआ और एक देखते हैं हम लोग. मीटिंग एंड हो जाएगी, ये करना, रिज्वाइन करना, ठीक है.
Preparation of aluminum hydroxide suspension. For this, we need following aluminum potassium sulfate or aluminum ammonium sulfate, conch ammonium hydroxide. This is aluminum ammonium sulfate. It is white crystal. This is ammonia solution. It has about 30% ammonia. It causes skin boils and eye damage and causes respiratory irritation and toxic to aquatic life.